अगर हम इक्वेशन थ्री को फिर से देखें तो इक्वेशन थ्री को हम इस तरीके से e इक्वल टू माइनस डी अपन डी एक्स को इस तरीके से ले सकते हैं, डी वी इक्वल टू माइनस ई डी एक्स। तो अगर हम दोनों साइड इंटीग्रेशन कर दें तो इंटीग्रेशन क्या जाएगा, v इक्वल टू माइनस ई डी एक्स का इंटीग्रेशन, माइनस को बाहर ले लीजिए तो क्या जाएगा ई डी एक्स। अब अगर हम माने कि इन e और डी एक्स मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्प्लेसमेंट के बीच एंगल कितना हो थीटा, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, ई डी एक्स कॉस थीटा। ए भी वैक्टर है और एक्स भी वैक्टर है, ठीक है। तो और अगर इसमें भी एक और स्पेशल केस मान लें कि अगर ई और एक्स के बीच जो एंगल है वो कितना है 90 का है, तो हमारा वी कितना आएगा यहाँ, कॉस 90 इक्वल टू जीरो, वी इक्वल टू जीरो। हम जानते हैं वी इक्वल टू डब्ल्यू पॉइंट क्यू, तो डब्ल्यू इक्वल टू वी इंटू क्यू, तो डब्ल्यू इक्वल टू जीरो। इन शॉर्ट ये जो पूरी कहानी की हम इससे कोई लेना देना नहीं, हम इसको इससे हम ये रिजल्ट निकाल सकते हैं, फॉर इट इज फॉर ओनली कॉम्पिटिशन एग्जाम, इफ एनी चार्ज इज कैप्ट परपेंडिकुलर टू ई देन द वर्क डन इज जीरो। मतलब अगर किसी चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर रख दिया जाए तो जो वर्क होगा वो कितना होगा, जीरो। दैट इज द ओनली कॉन्सेप्ट फॉर दिस वीडियो।